तो काफी लोग एक क्वेश्चन पुट करते हैं, बोलते हैं कि अकोमोडेशन नहीं मिल रही, आप बुक करवा दीजिए, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, या जो लोग नए आते हैं कैसे अकोमोडेशन बुक करें। तो आज बेसिकली मैं दो घर देखने जा रही हूँ, दो अकोमोडेशन देखने जा रही हूँ एजेंसीज के थ्रू। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी है वो अकोमोडेशन, क्या चार्जेस है, क्या प्रोसेस रहता है अकोमोडेशन बुक करने का यूके में, और कितने ईजी है यहाँ पे अकोमोडेशन लेना, क्या कंडीशन है। बिकॉज बहुत लोगों ने ये भी सुना होगा कि अकोमोडेशन नहीं मिलती, तो अगर आपकी अकोमोडेशन के बारे में कोई क्वायरी है तो इस वीडियो में वो सारी कवर होने वाली है, क्योंकि प्रोसेस से लेके कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग में कवर। वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड स्लैश, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पे ठंड थोड़ी सी हो चुकी है, इसीलिए मैंने जैकेट पहना हुआ है, पर मौसम आज अच्छा है, धूप निकली है, काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी। एनीवेज, जो मेरे रिटर्नर्स व्यू हैं उनका वेलकम वंस अगेन, एंड जो नए हैं, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजा। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई चैनल। वन BHK फ्लैट में रह रही हूँ, पर क्योंकि मैं 2 BHK देख रही हूँ फॉर फैमिली रीजन, तो लेट्स सी। मैं बस निकल ही चुकी हूँ घर से, तो मेरा जो टाइम है अकोमोडेशन देखने का वो मैं दो एक्चुअली में देखने जा रही हूँ, एक है 1:30 और जो सेकंड है 1:30। जब तक मैं अंदर जाती हूँ तब तक मैं प्रोसेस की बात कर लेती हूँ। तो पिछले 2 महीने से मैं बहुत सारी क्वारीज पुट कर रही थी ऑनलाइन साइट्स पे, मैं काफ़ी एजेंसीज में इन पर्सन भी गई, पर इस टाइम पे वो यही बात बोलते हैं कि क्योंकि सितंबर है, यहाँ पे सितंबर मेन इनटेक जैसे रहता है, तो मेन क्लासेस सितंबर में स्टार्ट होती हैं, तो वो रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो इंडस्ट्री काफ़ी बिजी चल रही है, इतना ईजिली अकोमोडेशन मिल नहीं पा रही, इस टाइम पर हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है। एंड बोला कि जो उनकी साइट है उस पर विजिट करते रहो, अगर कुछ आया तो उनको कॉल करके उसकी क्वारी पुट कर दो। तो मैं हर रोज़ काफ़ी ऑनलाइन साइट्स होती हैं यहाँ पे, Zoopla और राइट मूव मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, गम ट्री वगैरह भी होती हैं, कुछ लोग यूज़ करते हैं, स्पेयर रूम भी होती हैं, पर स्पेयर रूम गम ट्री पे मुझे इतना श्योरिटी नहीं है कि कितने जेन्युइन लोग होते हैं, क्योंकि स्पेयर रूम पे पहले मैंने काफ़ी क्वारीज पुट करी थी, लेकिन एट द एंड वो एक ईमेल सेंड करते हैं एंड बाद में बोल देते हैं कि जो जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे रह नहीं रहा, आप जो मनी है वो ट्रांसफर कर दो, हम आपको वीडियो के थ्रू दिखा देंगे और बाद में आपको की दे देंगे। तो ऐसी गलती कभी मत करना, तो इसलिए मैंने स्पेयर रूम पे तो क्वारी पुट करना ही छोड़ दिया है। मैं मेनली Zoopla पे करती हूँ, राइट मूव पे करती हूँ। वहां पे क्या होता है, एजेंसीज के थ्रू आपको प्रॉपर्टीज दिखाई जाती हैं, तो एजेंसी आपको कॉन्टेक्ट करती है, पर इन द बिगिनिंग मुझे कोई भी रिवर्ट नहीं आ रहा था। कुछ लोगों की अनफॉर्चुनेटली की मेल आ जाती है, 1-2 कॉल्स भी आई थी मुझे कि ये प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, नो लॉन्गर अवेलेबल। तो ऐसे ही मैंने एक एजेंसी वाले को पूछ लिया कि जिस भी प्रॉपर्टी के लिए मैं क्वारी डालती हूँ वो नो लॉन्गर अवेलेबल की ही जहाँ मेल करते हैं या फिर कॉल आती है। तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पे इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बिजी है कि जो स्टार्टिंग के कुछ आवर्स होते हैं, लाइक हर रोज वो एड्स डालते हैं प्रॉपर्टीज़ की अराउंड 9 or 10 AM इन अ मॉर्निंग, तो उन्होंने बोला कि उसके 1-2 आवर्स में जितनी क्वारीज आ जाती हैं, हम हमारे पास जितने स्लॉट होते हैं किसी को दिखाने के लिए व्यूइंग के, हम बुक कर देते हैं, उसके बाद जितनी भी क्वारीज आती हैं उनको अनफॉर्चुनेटली का मैसेज आता है। तो उन्होंने यही बोला कि आप अर्ली मॉर्निंग क्वारीज डाल दो, देन आपको रिवर्ट भी जितना जल्दी आप कर पाओ तभी आपकी जो व्यूइंग की रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो पाएगी। तो अभी कुछ वीक से मैं यही कर रही हूँ, तो अर्ली मॉर्निंग हर रोज मैं 9 से 10 बजे देखती हूँ कि राइट मूव पे जिस जगह पे मुझे प्रॉपर्टी चाहिए कोई अवेलेबल है या फिर जो मेरे बजट में हो, तो मैं क्वारीज डालती हूँ। अब मुझे काफ़ी रिवर्ट आ जाते हैं, पर उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना वो टाइम की आती है, क्योंकि जॉब की टाइमिंग कभी कभी व्यूइंग की टाइमिंग से नहीं मैच करती, उनके पास जो स्लॉट्स होते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग टाइम के नहीं होते, और सम टाइम ऐसा होता है मेरे टाइम के अकॉर्डिंग उनके पास स्लॉट्स जो अवेलेबल नहीं होते। एट द एंड आज 2 स्लॉट्स मुझे मिले हैं अकॉर्डिंग टू माई टाइम, दोनों डिफरेंट एजेंसीज हैं एनीवे, तो दोनों को मैं देखने जा रही हूँ। दिस इज रूम नंबर 1, सिंगल रूम काइंड ऑफ, दिस इज रूम नंबर 2, बिग रूम, नंबर 3, दिस इज वॉशरूम, ओके, दिस वन इज किचन। तो ये थी 1st प्रॉपर्टी।
इस प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो 750 है और यहाँ पे है सेंट्रल हीटिंग। मतलब यहाँ पे काफी लोगों को पता होगा कि हीट होती है मतलब गैस से, समटाइम इलेक्ट्रिसिटी पे होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी से होगा तो फुली घर इलेक्ट्रिकल होगा, उस घर में गैस नहीं होगी। पर इस घर में गैस भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो इट मीन्स कि दो डिफरेंट बिल होंगे। उसके बाद कंसल्ट, तो रफली अगर हम हिसाब लगाएं तो 750 रेंट होगा एंड 200 के अराउंड कौंसल टैक्स आ जाएगा, क्योंकि इस एरिया के अकॉर्डिंग होता है कौंसल टैक्स। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल अराउंड 100 pounds, तो उसके बाद गैस का बिल कितना आता है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज गैस का बिल काफ़ी ज़्यादा होता है सर्दियों में, कुछ लोगों को 200-300 भी आता है मंथली। तो रफली ये घर, ये जो फ्लैट है वो हमें पड़ेगा 1300 के अराउंड, 1300-1400 आराम से, और इसमें फर्नीचर भी नहीं है तो हमें फर्नीचर भी अरेंज करना पड़ेगा। पर इतने के बावजूद अगर मैं सोचूं कि इतना मैं पे करूंगी, जो मेन थिंग है, जो बात है वो ये है कि उस एजेंसी वालों ने मुझे एक लिंक सेंड करा है जिस पे कि जाके मैंने फॉर्म फिल करना है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में मैं अकेली इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे अलावा 10-12 लोग जो और देखने आए हैं वो भी इंटरेस्टेड है। मतलब देखने ज़्यादा आए हैं, 10-12 लोग लेने में इंटरेस्टेड है। अब देखने जा रही हूँ मैं सेकेंड, जो कि फर्निश्ड है, लेट्स सी उसकी कंडीशन क्या है, देन देखते हैं। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो बस अब मैं पहुँचने वाली हूँ। यो सेकेंड अकोमोडेशन है, वो तो एक ऑफिस की बिल्डिंग की तरह लग रही है, बट है वो फ्लैट सी, क्योंकि जो मुझे कॉल आई थी कंपनी के पर्सन की जो मुझे दिखाने वाले हैं, उन्होंने बोला कि किसी कंपनी की तरह लग रही है। आई थिंक यही है एज पर मैप, तो लेट्स सी, देखते हैं। बस यही है मेन डोर, बाथरूम बिट लार्जर, फर्स्ट रूम स्मॉल रूम एक्चुअली, किचन ओपन प्लान किचन, डाइनिंग एरिया एंड बिट लिविंग रूम एंड बेडरूम, दैट्स ऑल। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी देख ली है मैंने, आपको दिखा दी है। ये जो फ्लैट है वो फर्निश है, पर ये इतना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। 2-3 रीज़न है, मेन तो ये है लाइटिंग का, कि यहाँ पे लाइक क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है तो लाइट इतने से अच्छे से पास नहीं होगी, लाइक मतलब मुझे ये होता है कि थोड़ा सनलाइट हो घर में, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे ना पूरा ऐसे सीलन सी रहती है घर में, तो मुझे वो पसंद नहीं है। एनीवे जो इसका रेंट है वो 800 है और प्रोसेस इसका भी सेम ही है, कि पर इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये इलेक्ट्रिकल है, इसमें गैस नहीं है, तो गैस का बिल नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है कि 200 तक आ जाए हीटिंग की वजह से, पर गैस से कम ही होता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो कौनसा टैक्स इसमें भी पे करना पड़ेगा, पर फॉर्म इसमें भी फिल करना पड़ेगा, और ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सेकेंड क्वेश्चन। तो अगर मैं इस टाइम पे यूके में अकोमोडेशन की बात करूं, तो अकोमोडेशन लेना बहुत मुश्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं 2 months से सर्च कर रही हूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। फाइनली ये 2 प्रॉपर्टीज मैंने आज देखी है, ये भी मुझे मिलने का कोई आसार लग नहीं रहा, और जो लोग नए आते हैं उन्हें स्ट्रगल होती है। और एक जो क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लाइक जब भी मैं किसी जैसे एजेंसी के थ्रू फ्लैट वगैरह जो घर के लिए अप्लाई करती हूँ, डू यू हैव एनी किड, डू यू हैव एनी पेट, चलो पेट का तो मैं मान लूँ, और स्मोकिंग का पूछते हैं, स्मोकिंग का भी मैं मान लूँ ठीक है, पर किड्स का भी पूछते हैं, मुझे उसका आज तक लॉजिक नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों पूछते हैं कि डू यू हैव एनी किड्स, क्योंकि कुछ ऑनर्स ऐसे होते हैं जो किड्स वाले जो कपल होते हैं उनको घर देने के लिए एग्री नहीं करते। हमारे पास किड्स नहीं है टिल नाउ, बट स्टिल मतलब वो थोड़ा मुझे अजीब लगता है यहाँ। तो आप ऑनलाइन साइट्स के थ्रू बुक कर सकते हो, पर ऑनलाइन साइट्स के थ्रू भी अकोमोडेशन मिलना इतना ईजी नहीं होता। लाइक हो सकता है कि इस डॉक्यूमेंटेशन में मेरे डॉक्यूमेंटेशन सही रहे, मैं क्लियर कर जाऊँ, मैं सिलेक्ट हूँ इस फ्लैट के लिए, पर
क्वेश्चनेबल है, लाइक आप एक दो प्रॉपर्टीज पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, देन उसमें से भी आपको कौन सी मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी वो बात की बात है। तो इस टाइम पे यूके में अकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, घर मिलने बहुत मुश्किल है, तो लेट्स सी हमें कब तक मिलता है। अच्छी चीज़ ये कर सकते हो, अगर आपको इमिडिएटली चाहिए तो जितने कम्युनिटीज ग्रुप होते हैं उनमें अगर आप पोस्ट करोगे तो हो सकता है किसी ने पूरा घर लिया हुआ हो, वो आपको शेयरिंग में रूम प्रोवाइड कर दे फॉर नाउ, वो मोर इजी रहता है एंड मोर चीपर भी रहता है आई थिंक, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताई थी ये वाली चीज, तो आप वो ट्राई कर सकते हो रेदर देन कि स्टार्टिंग में एजेंसीज के थ्रू जाके घर फाइंड करना। हम तो 2 साल से आए यहाँ पे फिर भी हमें इतना इजिली नहीं मिल रहा, जो नए आए हैं उनके लिए तो और भी प्रॉब्लम है। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद है यू कैन लाइक एंड शेयर, उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग कीप सपोर्टिंग, बाय।